भगवान के आगे आपने दिए तो जरूर जलाए होंगे, दिया जलाकर आप भगवान तक अपनी फरियाद भी जरूर पहुंचाते होंगे। आमतौर पर लोग तेल या फिर घी का दिया जलाते हैं, लेकिन आज के हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा पूर्ति के लिए, मन्नतों को पूरा करने के लिए आप किस भगवान के सामने कौन सा दिया जला सकते हैं। और इस वक्त इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि रोगों से मुक्ति के लिए कौन सा दिया भग जला सकते हैं। सभी का अलग अलग विधान है। जहां हम रोगों से मुक्ति की बात करते हैं तो काली मां की पूजा करना चाहिए। ओम ह्रीं नमः इसका एक बड़ा ही सिद्ध मंत्र है और इसकी तीन माला का जाप करें। लाल चंदन की अगर माला मिल जाए तो वह इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। जहां हम दिया जलाने की बात करते हैं तो नीम के तेल का दीपक अगर भगवती काली माता के सामने जला करके और इस मंत्र का जाप किया जाए तो निश्चित रूप से कैसा भी रोग होगा वह निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और उसके साथ ही 33 नींबुओं की माला बना करके काली माता के गले में पहनाएं। बिना नमक उड़द की दाल और गुड़ की जो मीठी रोटियां हैं और बतासे सूखा मेवा, इससे देवी का भोग लगाना चाहिए और इससे रोगों की मुक्ति हो जाती है। काली चमकीली चुनरी देवी को चढ़ाएं और मूंग की दाल का हलवा, मीठी पंजीरी, मूंग के लड्डू का दान करें। बुधवार का व्रत करने से, और लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखें, कटु वाणी बोल करके किसी का दिल न दुखाएं। किसी भी प्रकार का रोग होगा निश्चित रूप से आपको उससे मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो रोगों से मुक्ति मिलने के लिए कौन से भगवान के सामने कौन सा दिया जलाए जान लिया, लेकिन ग्रह शांति के लिए किस भगवान के सामने कौन सा दिया जलाए शास्त्री? धर्म शास्त्रों में ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाशते ग्रह, पूरा अंड पिंड ब्रह्मांड ये ग्रहों के अधीन ही बतलाया गया है। और इसके लिए भगवान शनिदेव का पूजन बहुत नितांत आवश्यक है। शनिदेव पापक ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं। 800 ग्राम सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें और सरसों के ही तेल का अखंड दीपक भगवान शनिदेव के सामने जला करके और नीले वस्त्र के द्वारा भगवान शनिदेव का पूजन करें। नीला वस्त्र भगवान शिव को, शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। नीलांबर धरोनाथ ऐसा भी इसलिए कहा गया है। नीले पुष्पों की माला शनिदेव को चढ़ाना चाहिए और शनिदेव की जो प्रिय सवारी है, भैंसे की सवारी, ये भगवान शनिदेव की सबसे प्रिय सवारी है, उनको भी चारा डाल करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। कीवी फल गुड़ ये सभी शनिदेव को चढ़ाएं। और एक बहुत शुद्ध मंत्र है जिसका मैं सिद्ध मंत्र का आपको दे रहा हूं, ओम शम सर्वग्रह दोष निवारणे नमः। इस मंत्र की 27 बार इसका उच्चारण करें और शनिदेव को प्रणाम करें, देखें आपके सभी प्रकार के कैसा भी ग्रह होगा उसका दोष निश्चित रूप से शांत हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रह दोष दूर करने के लिए, ग्रह शांति के लिए अगर शनिदेव के सामने दिया जलाया जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, उसके लिए क्या उपाय किया जाए, कौन सा दिया जलाया जाए और विधि विधान क्या है? दाम्पत्य जीवन यही पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। जिसका सुखी दाम्पत्य है उसी को पृथ्वी में सुखी माना जाता है। इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में तुलसी के पूजन का विशेष महत्व बतलाया है। अगर तुलसी का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रविवार और द्वादशी के दिन तुलसी का स्पर्श ना करें, तुलसी का पूजन ना करें और शेष सभी दिनों में तुलसी की पूजा करें। और एक बहुत छोटा सा मंत्र आपको देता हूं, प्रभु श्री राम जी का मंत्र है, ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, हो सके तो तुलसी की माला में इस मंत्र का जाप करें और तुलसी के सामने देसी शुद्ध घी का दीपक जलाएं और हो सके तो सायंकाल के समय दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी में लाल रंग का झंडा ओम नमो नारायणाय ऐसा लिख करके और पीले गोटे से लिख करके तुलसी के पास लगाएं, तुलसी के पौधे में लगाएं। जो तुलसी के नीचे उस गमले में जो घास उगाती है, इस घास को अगर लेकर के आप अपनी तिजोरी में रखते हैं, यह भी आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी। यथाशक्ति अनाज एवं फल का दान करें। 12 गृहस्थ ब्राह्मणों को, जो पति पत्नी दोनों, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों हैं, उनको इसका दान करना चाहिए। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, असत्य भाषण ना करें और किसी धार्मिक स्थल पर जूता पहन करके ना जाएं। मधु सर्पी और देसी घी से अगर आप किसी राम रामायण महामंत्र से हवन करेंगे तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो निश्चित रूप से बहुत सुखी हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन कैसे सुखी बनाए ये तो हमने शास्त्री जी से जान लिया, लेकिन
धन कैसे कमाए, घर में धन की कमी ना हो, धन को संचित कैसे किया जाए, ये भी जरूरी है शास्त्री जी। तो कौन सा दिया जलाए और क्या है विधि विधान पूजा का? जहां धन प्राप्ति या धन को संग्रह करने की बात करते हैं, धर्म शास्त्रों में धन भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं, यह बात सभी लोग जानते हैं। धन प्राप्ति और धन संग्रह के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। तिल के तेल, पांच मुख वाला दीपक उत्तर मुख की तरफ बैठ करके, और आपका उस समय मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, और तिल के तेल का दीपक जलाना है। एक बहुत छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की पांच माला का एक माला का जाप करें, कमल गट्टे की माला में इस मंत्र का जाप करें, और ओम नमो नारायणाय, ये मंत्र की जो माला है ये पांच माला इसका जाप करें। मां को लाल रंग और भगवान विष्णु को पीतांबर यानी पीला वस्त्र चढ़ाएं। सफेद उबले हुए मीठे चावल, दही एवं नमक का दान करने से भी धन की वृद्धि घर में होती है। बृहस्पति बार का व्रत करें, भगवान विष्णु का व्रत है, गुरु का व्रत है, इससे धन की वृद्धि होती है। किसी विधवा स्त्री एवं बच्चों का धन हरण कभी ना करें, अगर आपने लिया है उसको वापस कर दें। मदिरा एवं मांसाहार का परहेज करना यह भी बहुत आवश्यक है। अगर आप इस नियम और इस मंत्र के द्वारा अपने इसका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी और धन का संचय भी होगा। तो दिया आपकी किस्मत को चमका देगा, और हम जान रहे हैं यही राजकुमार शास्त्री जी से। शास्त्री जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, दिए को पूजा के समय का महत्व क्यों दिया जाता है? चूंकि हमारे धर्म शास्त्रों में परमात्मा के दो मुख बतलाए हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। अग्नि जो है दीपक का, ये प्रकाश का पुंज है, स्वरूप है, और अग्नि को साक्षी मान करके ही सभी देवताओं की पूजा की जाती है। अगर दीपक नहीं जलता है तो देवताओं का आवाहन करने पर अंधकार में देवता वहां आते नहीं है, इसलिए दीपक जलाना पूजा में नितांत आवश्यक माना जाता है। और बिना दीपक जलाए अगर आप पूजन करते हैं तो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि देवता का आप आवाहन करेंगे, वहां दीपक का प्रकाश नहीं होगा तो दीपक, वो जो देवता है, संबंधित देवता जिसका आप आवाहन कर रहे हैं, उसका वहां प्रवेश नहीं होता। तो दिया जलाना क्यों है महत्वपूर्ण पूजा में, ये तो शास्त्री जी ने बता लिया, लेकिन भाग्योदय के लिए शास्त्री जी कौन से भगवान के सामने कौन सा दिया जलाया जाए? मनुष्य का, सभी का अपना भाग्य होता है, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ऐसा श्रुति वाक्य है कि मनुष्य का भाग्य ही फलदायी होता है, ना पुरुषार्थ ना विद्या। भाग्योदय के लिए भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें और भगवान शिव के शिवालय में और अपने घर के दीप मुख्य द्वार में अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मुख्य द्वार पर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाएं, सोमवार और अष्टमी को ऐसा करें। ओम नमः शंकराय, ये बहुत भगवान शिव का सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की तीन माला रुद्राक्ष की माला में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रावण कृत भगवान शिव का प्रसिद्ध शिव तांडव स्त्रोत्र का पाठ करें, और यह नियम 40 दिन तक करना है, इस बात को ध्यान रखें। भगवान शिव का वार है सोमवार, सोमवार के 32 व्रत करने चाहिए। ज्योतिर्लिंगों की पूजा करें, घी गुड़ एवं देसी घी से बने हुए मालपुए का प्रसाद भगवान के भक्तों, भगवान शिव के भक्तों में बांटें, और भगवान शिव के पूजन के उपरांत स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करें। आप देखेंगे आपका सोया हुआ रुका हुआ भाग निश्चित रूप से जागृत हो जाएगा। एक दिया शत्रु को भी पराजित कर सकता है, ये कैसे शास्त्री जी, कैसे हो सकता है ये? हमारे जीवन में प्रत्येक मुनि भी बने संस्थित से सुकरवाणी कुर्बता, शत्रु मित्र ये सभी के होते हैं। शत्रुओं को शांत करने के लिए मैं आपको बताता हूं, भगवान शिव का उग्र स्वरूप काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। अरंडी एवं कपास के तेल का दीपक जलाने से शत्रु शांत हो जाते हैं। एक बहुत सिद्ध मंत्र देता हूं, यह मंत्र भी शत्रुओं को शांत करने के लिए रामबाण का काम करता है। ओम छाम छीम छौम सा क्षेत्रपालाय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप करें, लेकिन यह ध्यान रखें नियम 45 दिन तक करना है। भैरव को सिंदूर एवं भस्म चढ़ाएं, अपने माथे पर भी भस्म का तिलक लगाएं, सिर में चोटी अवश्य रखें और जनेऊ अवश्य धारण करें। पूरी खीर एवं पकवान बना करके ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों, यानी दाम्पत्य सुखी दाम्पत्य ब्राह्मणों, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं। नमक प्याज और लहसुन का तामसिक जो वस्तुएं हैं इनके भोजन का परहेज करें,
और अपना आचरण ठीक रखें, निश्चित रूप से कोई भी आपका शत्रु होगा आपके सामने शांत हो जाएगा या फिर आपसे परास्त हो जाएगा। तो एक दिया आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, रोशनी ला सकता है। शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है उसके चमत्कार बताने के लिए। पितृदोष निवारण के लिए कौन सा दिया जलाए शास्त्री जी, कौन से भगवान के सामने? हमारे ज्योतिष शास्त्रों में धन और संतान ये पितृदोष के अधीन आती है। जिसके घर में पितृदोष होता है उसका ना तो व्यापार चलता है ना उसकी संतान होती है। इसी को हमारे अन्य ग्रंथों में काल सर्प दोष कहा गया है। तो ये पितृदोष निवारण के लिए काल सर्प देवता का पूजन करना चाहिए। काल सर्प देवता का मंत्र आपको देता हूं, ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो पितृदोष निवारणे स्वाहा। पंचमी एवं अमावस्या को एक माला इस मंत्र का जाप करें और तांबे के बर्तन में, अगर भगवान ये काल सर्प का पूजन करते हैं और तांबे के बर्तन में गुड़, शुद्ध जल और गंगा जल, लाल पुष्प और कुशा जो जमीन में उत्पन्न होती है, इस कुशा को अगर आप डाल करके और दाहिने पैर को ऊपर उठा करके, दाहिने पैर में खड़े होकर के और एक पैर को ऊपर उठा करके सूर्य देव को अर्घ देंगे और अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं। आटे के दिया में सरसों का तेल डाल करके और 8 दिए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं, और इससे भी चौमुखा दीपक जो है पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जलाते हैं उससे भी पितृदोष का निवारण निश्चित रूप से हो जाता है। चांदी या अष्ट धातु, ये बात को ध्यान रखें, चांदी या अष्ट धातु से बना हुआ स्वास्तिक अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ और चांदी या अष्ट धातु के बने हुए सांप और सर्पणी के जोड़े अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ एक एक लगा दें, इससे भी आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। चमेली के तेल का अखंड दीपक अगर मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने अगर आप जलाते हैं इससे भी पितृदोष की समाप्ति होती है। इस प्रकार से अगर आप ये क्रिया करते हैं तो पितृदोष आपके घर का समाप्त हो जाएगा। तो पितृदोष के लिए जान लिया शास्त्री जी, नजर दोष को एक दिए के जरिए कैसे दूर किया जा सकता है? नजर दोष हो या भूत प्रेत आदि की बाधाएं हो, जादू टोना टोटका इस प्रकार के कोई भी दोष हो, उसके लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस मंत्र की 11,000 बार इसका जाप करना चाहिए। 11,000 बार इस मंत्र का जाप करें और साथ में हनुमान जी के सामने या अपने घर में महुआ के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो इससे भी आपके जो है नजर दोष समाप्त हो जाते हैं। ओम ऐं नमः ये ऐसा एक सिद्ध मंत्र है जिसका जाप करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। 5 बेसन के लड्डू और बर्फी का प्रसाद हनुमान जी को और देवी दुर्गा माता को अगर आप चढ़ा करके हनुमान भक्त और देवी भक्तों में बांटें और प्रसाद रूप में उसको स्वयं भी थोड़ा ग्रहण करें, इससे भी नजर दोष की समाप्ति हो जाती है। पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन पूर्णिमा और संक्रांति का व्रत करें, भगवान सत्यनारायण देवता का पूजन करें और भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें या सुने, इससे भी आपके नजर दोष की समाप्ति हो जाती है। छोटी इलायची और तुलसी के पत्ते अगर कांसे के बर्तन में रख करके आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं यह भी नजर दोष का सबसे रामबाण उपाय है। तो दिया दिखाएगा चमत्कार और कैसे ये जाना हमने राजकुमार शास्त्री जी से। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।